आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको YouTube पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं YouTube पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएँगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टैलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनीवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थैरिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब यह मूवी आई ओ के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फिल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साय कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही है में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी कर करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नानी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलर के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साय कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा इस है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री, जो फिल्म है सरिपोधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओ के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की में बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंट में रखती है क्या यह इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देखकर ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलर के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साय कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री, जो फिल्म है सरिपोधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजिनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की में बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंट में रखती है क्या यह इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देखकर ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलर के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको YouTube पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक अथारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फिलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लीड कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फ़िल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरिपौा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फिल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूटूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फ़िल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूटूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की में बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके कर रखता है इस फ़िल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है उन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाई जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको YouTube पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई एम रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक अथारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं YouTube पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फिलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फ़िल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक सैडमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरिपौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूटूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फ़िल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूटूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साय कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की में बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फ़िल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है उन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाई जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई और के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फिलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएँगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक सैडमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो श्री... जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थैरिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फिल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिर अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की में बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख कर ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजीएम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक अथारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फिलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएँगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो श्री जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थैरिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फ़िल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फिल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही इस, तो इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख कर ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजीएम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा इस है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री, जो फिल्म है सरी श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फ़िल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थैरिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब यह मूवी आई ओ के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फ़िल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फिल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलर के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेका थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फ़िल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन सी टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फ़िल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा इस है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाई जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फ़िल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब यह मूवी आई ओ के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फिल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साय कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलर के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिड कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक मेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री, जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टैलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंड में रखती है क्या यह इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिड कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री, जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनके काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंड्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंट में रखती है क्या यह इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देखकर ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो श्री जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलर के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक अथारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं YouTube पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसकी जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी वी चैनल के ऊपर आएँगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक सैडमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फ़िल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फिल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंड के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लिडकाफ्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेडी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी कर करके रखता है इस फ़िल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइडमेंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं YouTube पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube पर नहीं आएंगी YouTube पे इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर्स द्वारा ही इस फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टीवी वी चैनल के ऊपर आएँगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की लीड कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फ़िल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइटमेंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजेम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरिपौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टैलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं दिखाए जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे हो इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा शनिवार ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फ़िल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ सेवन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक थारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब ये मूवी आई ओर के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फ़िल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फ़िलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टी पर आती है तो गोल्ड मैंस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएंगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रैडी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फ़िल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक्साइड मैंट में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख कर पता लगा सकते हैं और जो जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग शायद इस फ़िल्म को हिंदी के अंदर भी देखना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़िल्म के बारे में जैसे कि ये जो मूवी है वो कहाँ पर हिंदी के अंदर उपलब्ध है आप कहाँ पर हिंदी में देख पाएंगे और क्या ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी या नहीं इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं नानी की इस शानदार फिल्म के बारे में और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस मूवी का वेट भी काफ़ी समय से कर रहे होंगे इस फिल्म का नाम दोस्तों है सरी पौधा ये मूवी 2024 में आई थी और फिल्म के अंदर हमें थ्रिलर और एक्शन देखने को मिला था ये फिल्म ज़बरदस्त है और इसकी जो आई रेटिंग है वो 10 आउट ऑफ सेवन पॉइंट वन की है और इसे डायरेक्ट किया है विवेक अथारिया ने जो कि साउथ के एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में बना रखी है और इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ हिट भी रही हैं हालांकि अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन लगभग नब्बे करोड़ का बताया जा रहा है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सौ करोड़ का हुआ था काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फ़िल्म को मिला हुआ है ऑडियंस की तरफ से और जब यह मूवी आई और के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये कमाल की मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर दोस्तों मिल जाएंगी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है तो नेटफ्लिक्स पर आप कभी भी इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपको देखना है तो ये फ़िल्म आपको YouTube पर आसानी से नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही जाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जो फ़िल्म है इसे रिलीज़ नहीं कराया है यूट्यूब पर हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूटूब पर नहीं आएंगी यूट्यूब पर इसे रिलीज़ कराया जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा हाल फिलहाल इसके जो डबिंग है इसको करवाया है इस फिल्म के औरिजनल मेकरस द्वारा ही इस फिल्म के जो औरिजनल प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब कराया है अगर फ्यूचर में ये मूवी आती है तो शायद आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी और चांस बनते हैं कि इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर आपको देखने को मिले अगर ये फ़िल्म टीवी पर आती है तो गोल्ड मैंडस के ऊपर भी देखने को मिल सकती है हालांकि ये कौन से टी वी चैनल के ऊपर आएँगी इसके बारे में अभी बताना मुश्किल है इस फिल्म की कास्ट में नानी प्रियंका मोहन एस जे सूर्या अदिति बालन अभिरामी अजय घोष ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं साई कुमार मुरली शर्मा सुपरदीत रेड्डी ऐसे काफ़ी अच्छी किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है ये जो मूवी है इसके अंदर थ्रिलर और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है और इसका जो टोटल कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है तो खैर फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमें एंड तक बांधे भी रखती है बोर नहीं कराती है नानी एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो अपने करियर में हमें दे चुके हैं साथ ही में इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो बहुत कुछ सिखाया गया है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि हमें एंगेज भी करके रखता है इस फिल्म को देखने के लिए चलिए बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा क्या इस फिल्म की स्टोरी है क्या ये फैमिली के साथ देखी जा सकती या नहीं दरअसल वैसे तो ये कि यू सेंसर्ड फिल्म है तो आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिल्म का जो पहला हिस्सा है इसमें हमें जो है फिल्म और अपने से आपको पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और फिल्म का हर किरदार के पास कुछ ना कुछ होता है और जो डायरेक्टर है इन्होंने फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि कभी कोई बोर ना हो कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से नहीं हिलता हुआ दिखाई देता है फिल्म का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा ये फिल्म आपको पूरी तरह से एक मैंड में रखती है क्या ये इस फिल्म में शनिवार का मतलब और आपको फिल्म देख ही पता लग जाएगा कि इस फिल्म के अंदर शनिवार का मतलब क्या है पूरी फिल्म के अंदर नानी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं बात की जाए सूर्या की तो इनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और वो एक ज़बरदस्त एक्टर है और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है फिल्म का बीजियम भी बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन भी यहाँ पर दोस्तों जो ठीक ठाक है और फिल्म में यहाँ पर नैनी अपना चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढकते हैं और फिर एक्शन करते हैं और आखिर में वैसा क्यों करते हैं ये सब कुछ आपको इस फिल्म देख पता लगा सकते हैं और जो श्री, जो फिल्म है सरी पौधा श्रीनिवासन तो वो तेलुगु भाषा में बहुत ही बढ़िया रही थी और कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमें इसके टेलेंट के अंदर दिखाया है फिल्म का हीरो जो कि थोड़ा साइको है और पुलिस वाला दिखाया गया है और वह उससे भी ज़्यादा साइको होता है और अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं देखा जाते हैं कि अगर इस फिल्म का जो रिव्यू है एक लाइन में कहा जाए तो फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है और कहानी में हमें कुछ भी नया देखने को मिलता है और इससे पहले भी इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी है वो साउथ की जो बाकी मूवी होती है इनकी तरह थोड़ी अलग दिखाई जाती है कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं ये मूवी आप देखिए आपको कैसे लगती है दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए